बड़े जोर शोर से बना था एनडीए गठबंधन। अब अखिलेश यादव ने इस अलायंस को ठेंगा दिखाया है लंबे असंतोष के बाद, ऐसा तमाम सियासी जानकार बोल रहे। मध्य प्रदेश में सपा की ओर से जारी हालिया चुनावी लिस्ट के बाद INDIA गठबंधन जो बना था गाजे बाजे के साथ, उसके तहत समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर तालमेल हो जाएगा। 7 प्रत्याशियों की सूची भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रांतीय नेतृत्व के साथ शेयर की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद सपा ने प्रदेश की 79 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। जबलपुर की एक सीट पर पार्टी प्रत्याशी को बी फॉर्म न मिल पाने के कारण उसे निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि NDIA गठबंधन के अंतर्गत उसे कुछ सीटें मिल जाएंगी, जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी अखिलेश यादव से सहमति के बाद। इस कारण सपा में प्रत्याशी घोषित करने में देरी हुई। बाद में गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ने पर सहमति न बन पाई, लेकिन समय कम होने से पार्टी मजबूत प्रत्याशी चिन्हित नहीं कर पाई। इसी बीते रविवार को भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने वाले थे। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल और अन्य पदाधिकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास कुछ सीटों की सूची लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन भाई ये तय हुआ कि पार्टी कम सीटों पर ही पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने ग्वालियर, चंबल, विंध्य में ही अपना पूरा ध्यान दिया। अब आपको ये बताते हैं कि कब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है ये पार्टी, समाजवादी पार्टी, और जीती कितनी। 2003 में 161 सीटों पर समाजवादी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 7 सीटें जीती। 2008 की अगर बात की जाए, 186 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 में जीत पाई। 2013 में 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 0 पर सिमट गई, 1 भी सीट झोली में नहीं आ पाई। 2018 में 52 सीटों पर लड़ी और 1 ही सीट झोली में आई। ये समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति है। अगर आम आदमी पार्टी के मौजूदा परिदृश्य में बात की जाए तो वो भी 69 सीटों पर ही सिमटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में केवल 69 उम्मीदवार ही घोषित किए थे। उनमें भी 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन भरने के पहले ही दूसरे दल में निकल लिए। इस तरह अब 66 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। पार्टी साल 2018 के चुनाव में 208 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इसी साल भोपाल में एक जनसभा के दौरान ये कहा था कि आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने से कार्यकर्ता भी नाराज हैं। अब तमाम सियासी जानकार ये बोल रहे कि फूल खिलने से पहले ही बकरी खा चुकी है, मतलब INDIA गठबंधन का बंटाधार हो चला है क्या। आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट्स है उनके लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।